आशिया मिनस न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। दोस्तों के साथ बोल्ड अंदाज में मस्ती करती दिखी शाहरुख खान की लाडली सुहाना, प्राइवेट तस्वीर हुई वायरल। 22 मई को शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान वह अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती करती दिखी। इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब एक बार फिर से सुहाना सुर्खियों में छा गई है। दरअसल इस बार सुहाना अपने खास दोस्त एथेना का बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आई। इस दौरान सुहाना बेहद बोल्ड नजर आ रही थी। बता दें कि सुहाना अपने दोस्तों से काफी करीब है। अक्सर वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय करते नजर आती है। सलमान खान का बड़ा खुलासा, कहा यहाँ करता हूँ कैटरीना कैफ का पीछा। इन दिनों सलमान खान और कैटरीना कैफ अपने आने वाले फिल्म भारत के प्रमोशन में व्यस्त है। इस दौरान सलमान ने एक बड़ा खुलासा किया है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह कैटरीना कैफ का पीछा हर जगह करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद वह कैटरीना को घर तक छोड़ने भी जाएंगे। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे, यहां तक कि कैटरीना भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दरअसल सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में कैटरीना कैफ से जब पूछा गया, तब उन्होंने पत्रकार से ही यह कह दिया कि वह सलमान से पूछे कि वह क्यों उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं। इस पर सलमान बोल पड़े थे कि वह हर जगह कैटरीना का पीछा करते हैं। बता दें कि इंस्टा पर सलमान के 22.6 फॉलोअर्स हैं। वहीं सलमान केवल 8 लोगों को ही फॉलो करते हैं, जिनमें उनके दोनों भाई सोहेल खान, अरबाज खान, कैटरीना कैफ की बहन इसाबेला कैफ, लुलिया वतूरा, अतुल अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा शामिल है। अर्जुन ने मलाइका संग अपने रिश्ते को किया ऑफिशियल। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों को हाल ही में इंडियाज मोस्ट वांटेड की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान एक दूसरे का हाथ थामा गया था। दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। एक दूसरे के हाथ थामे ये तस्वीर उनके रिश्ते को भी ऑफिशियल कर रही है। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। पिछले दिनों दोनों की शादी के भी चर्चे जोरों पर थे। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अर्जुन ने मलाइका संग अपने रिश्ते को कबूल किया था। अर्जुन ने इंटरव्यू में बताया कि वो और मलाइका इंडिया मोस्ट वांटेड की स्क्रीनिंग के दौरान इसलिए एक साथ सामने आए क्योंकि उन्हें लगता है मलाइका और उनके रिश्ते को लेकर मीडिया हमेशा काफी सपोर्टिव, सच्ची और सभ्य रही है। मीडिया मलाइका और उनके रिश्ते को समझती है, जिसे देखकर उन्होंने मलाइका संग अपने रिश्ते को स्वीकारने में कंफर्टेबल महसूस कराया। आगे अर्जुन ने बताया कि हम मीडिया को देखकर कभी नहीं भागते, हम हमेशा अपने रिश्ते को सबके सामने रखते हैं। अर्जुन ने यह भी कहा कि वो अपने रिश्ते को नेचुरल और नॉर्मल रखना चाहते हैं क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।